हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग एक Q&A वीडियो है, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैं सेलेक्ट किया हूं और इन सभी का मैं जवाब देने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी कॉमेंट्स को। तो पहला कॉमेंट्स है, डायरेक्ट एडमिशन में भी फार्मा में स्कॉलरशिप आता है। देखो, डायरेक्ट एडमिशन में चांस तो बहुत कम होते हैं, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं आता है, स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। बाकी काउंसलिंग वालों का आता है। और नेक्स्ट कमेंट है, सर CUET का रिजल्ट कब आएगा। देखो, CUET का रिजल्ट तो 30 जून को आने वाला था, जो कि आया नहीं, बट हो सकता है 10 जुलाई को आपको CUET का स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करने को मिल जाए, ठीक है। तो 10 जुलाई का वेट कीजिए, आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट है, मेरा CUET में 125 स्कोर है, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा 2024 में। अच्छा, स्कोर आ गया आपका 125, तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन हाँ, अगर आ गया आपका 125 बन रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। कोई नॉर्मल कॉलेज या कोई भी, आपको अगर सीट खाली हो तो आपको टॉप कॉलेज भी मिल सकता है, बट हाँ, आपको नॉर्मल कॉलेज तो मिल जाएगा। और नेक्स्ट है, सर नीट के मार्क्स से भी फार्मेसी में एडमिशन कैसे लें। देखो, नीट के मार्क्स से सभी कॉलेज तो आपको एडमिशन नहीं देते हैं बी फार्मा में, क्योंकि उनको CUET या अदर अपने इंट्रेंस एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल या कॉलेज लेवल पे। लेकिन आज जैसे आपके कुछ टॉप करें, दिल्ली के कुछ कॉलेज JMU हो गया और जो कि जामिया हमदर्द, वहाँ पे नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। और कुछ कर्नाटक में भी कॉलेज हैं, तो वो लोग जो कि बी फार्मेसी में नीट के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देते हैं, तो आपको वहाँ पर नीट के मार्क्स काम आएंगे, तो वहाँ पर आप ले सकते हो एडमिशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर उत्तर प्रदेश से अम्बेडकर नगर से हूँ, क्या बी फार्मा में स्कॉलरशिप कितना आता है। देखो, स्कॉलरशिप बी फार्मा में आता है, जो कि आपका अगर OBC और जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 56,000 के करीब, और अगर आप लोग ST SC हो तो आपको 70,000 के करीब आपका स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा, अगर काउंसलिंग से हो तो आपकी स्कॉलरशिप पक्की आती है या कंफर्म आती है। और नेक्स्ट है, सर बी फार्मा सही रहेगा या डी फार्मा, रिप्लाई ज़रूर देना सर। देखो, भी दोनों ही कोर्स अपने आप में बेटर हैं। डी फार्मा 2 साल का, बी फार्मा 4 साल का होता है। दोनों कोर्स अपने आप में अच्छे हैं और ड्यूरेशन भी आप देख सकते हो, बट बी फार्मा मैं कहूँगा बेस्ट है कंपेयर टू डिप्लोमा से, बट डिप्लोमा भी अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा है, जल्दी आपको डिग्री मिल जाती है, सॉरी डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है, और जो बी फार्मा होता है थोड़ा समय लगता है, बट उसकी भी डिग्री मिल जाती है। और दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं। बाकी इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हो, मैंने हर एक कोर्स के बारे में बता रखा है, उसकी अपॉर्चुनिटी वगैरह, ठीक है, बी फार्मा एंड डी फार्मा की। बाकी फ्रेंड्स, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे। ज़्यादा कमेंट मैंने नहीं सेलेक्ट किए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। बाकी कुछ और पूछना है तो आप लोग झिझक आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।